आखिर सिमर के अलावा किसके साथ डांस परफॉर्म करेंगे आरव? ससुराल सिमर का टू फेम अविनाश मुखर्जी एके आरव किस रियलिटी शो में जाना चाहेंगे? आखिर क्यों अविनाश नहीं जाना चाहते बिग बॉस के घर में? क्या है वजह जो अविनाश बिग बॉस का नहीं बल्कि डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा का हिस्सा बनना चाहते हैं? वेल, इस बारे में हमने जब अविनाश से बात की तो आप भी सुनिए कि उनका क्या कहना है। सो झलक का पार्ट बनना तो ज़रूर चाहेंगे। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा धरोहर है वो कलर्स का, और बहुत सालों बाद आ रहा है। बट आई डोंट नो, इस साल इज़ आई डोंट नो अबाउट द टाइमिंग्स, बिकॉज उसमें टाइमिंग देना पड़ता है बहुत, बिकॉज अगर जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि टाइमिंग की वजह से अच्छे से परफॉर्मेंस ना हो पाए। जस्ट टू पार्टिसिपेट नहीं, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर कहीं जा रहे हैं तो जीत के आना चाहिए। सो वो टाइमली कमिटमेंट, वो लेट नाइट रिहर्सल्स, फिर शूट, वहाँ पे भी शूट, देन फिर यहाँ के टाइमिंग सफ़र होंगे। सो आई डोंट वांट कि यहाँ के टाइमिंग सफ़र हो, बिकॉज एक चीज़ पे फोकस्ड आई डू और उसको आई डू इट 200%। मेरे हिसाब से कोई भी पार्टनर, हाँ कोई भी पार्टनर या मेरे शो से पार्टनर, देखिए शो के बाहर से अगर मैं कोई पार्टनर चाहूँगा तो नोरा फतेही चाहूँगा। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर वो मेरी पार्टनर बन के डांस करेंगे तो हम ज़रूर जीत जाएंगे। और बाकी आई थिंक वही है, तो जब तक आई थिंक अगर नोरा आती है तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि झलक दिखला से मुझे शो से। आई थिंक ऑल द लेडीज़ आर वेरी वेरी गुड डांसर्स। आई थिंक तानिया इज़ वेरी गुड डांसर, सो या तानिया। बिग बॉस में क्या लगता है कौन ऐसे वहाँ मास्टरमाइंड गेम खेल सकता है, या फिर किसे आपके हिसाब से कौन स्ट्रॉन्गली रह सकता है? मुझे एक्चुअली नहीं मालूम, बिकॉज यू नो जैसे आप पर्सनली लोगों को जानते हैं, और बिग बॉस में घर के अंदर जाने के बाद आपकी पूरी साइकिक चेंज हो जाती है, पूरी चीज़ें चेंज होती है। जितने टाइम आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं, बंद कमरे में, बंद घर में, और आप जानते हैं कि लोग आपको देख रहे हैं 24 घंटे, सो यू नेवर नो कि कौन सा पर्सन कैसे रिएक्ट करे। शायद एक इंट्रोवर्ट पर्सन अचानक से ब्लो आउट कर जाए, शायद हंसने झूमने वाला एक्सट्रोवर्ट पर्सन वहाँ जाके ऐसे शांत हो जाए, सो यू नेवर नो हाउ द हाउस रिएक्ट्स। तो सुना आपने, आखिर ससुराल सिमर के सेट से आरव तानिया शर्मा यानी रीमा को अपना डांस पार्टनर बनाना चाहते हैं, और रीमा नहीं तो अविनाश नोरा फतेही के साथ भी डांस करना चाहते हैं। वैसे तो शो में हमने कई बार आरव को डांस करते और झूमते देखा है, अब देखना होगा कि झलक दिखलाजा के आखिर कौन से सीजन में अविनाश की झलक हमें देखने मिलेगी। वैसे आप अविनाश को झलक में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड फॉर मोर सच टेली अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद टेलीचस्का का।